इधर कल जिला पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव होना है। बीजेपी और कांग्रेस में रणनीति पर मंथन हो रहा है। दोनों ही दलों ने समर्थकों को लेकर बाड़ेबंदी कर दी है। दोनों दलों के समर्थित विजयी उम्मीदवार भूमिगत हो गए। कल बैठक के वक्त समूह में जिला पंचायत लाया जाएगा उन्हें। तो कांग्रेस ने अपने सदस्यों के अपहरण के आरोप लगा दिए हैं बीजेपी पर। और शब्बीर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हो। शब्बीर, क्या जानकारी मिल रही है? वाकई ये जो अपहरण के आरोप लगाए, इसमें कुछ दम नजर आ रहा है या फिर सिर्फ आरोपों के तौर पर इसको माना जाए? अभितोष, कल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना है और 52 जिलों में से 51 जिलों पर होना है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सीधी जिले का मामला कोर्ट में है। और जहां तक आपका सवाल यह था कि क्या सच में किडनैप किए गए हैं या फिर कई जो जिला पंचायत सदस्य है वो अंडरग्राउंड है। बिल्कुल ये सच्चाई है कि कई जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो अंडरग्राउंड है और कई जो जिला पंचायत जो सदस्य हैं वो प्रदेश के बाहर है। और बताया जा रहा है कि वो आखिरी समय में राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। या तमाम जिलों की बात की जाए, जैसे मैं भोपाल के जिला पंचायत सदस्यों की बात करूं तो यहां पर 10 जिला पंचायत सदस्य है, उसमें से बताया जा रहा है कि 7 के करीब जो हैं जिला पंचायत सदस्य जो जीते थे वो कांग्रेस समर्थित थे, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस को डर है। और तमाम जितने भी कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत के सदस्य हैं वो इस वक्त राजस्थान में हैं। ऐसी स्थिति भोपाल के पड़ोस वाला इलाका है सीहोर जिला, वहाँ की तस्वीरें हमने शाम को देखी थी। खजूरी पुलिस के वहाँ के जो जिला पंचायत सदस्य थे उसमें से एक को खजूरी थाने लेकर आ गई थी। उनका कहना था कि गुमशुदगी के इनके परिवार की तरफ से रिपोर्ट लिखाई गई है। 5 सदस्यों को उठा के लाई थी, वहाँ पर भी गंभीर आरोप सत्ता पक्ष के ऊपर लगे। तो ऐसी ही तस्वीर अभितोष अलग अलग जिलों से आ रही है। कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश की सियासत से, क्योंकि कई जिलों की तो तस्वीर साफ है कि यहाँ पर विपक्ष बैठेगा या सत्ता पक्ष बैठेगी वहाँ पर अध्यक्ष, लेकिन कई जिलों पर ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आ रही कि जहां पर किसी को भी बहुमत नहीं है। इसके अलावा जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में भी हमने देखा था कि भले से ही दोनों पार्टियों की तरफ से अभितोष ये दावा किया जा रहा था कि हमारे समर्थित ज़्यादा जीते, लेकिन क्रॉस वोटिंग हुई है। तो कल जिला पंचायत के चुनाव में ये हमें देखना होगा कि कितनी क्रॉस वोटिंग होती है, क्योंकि बीजेपी की तैयारियों की बात की जाए तो काफ़ी तैयारियाँ हैं। और इसको लेकर बीजेपी कार्यालय में भी मंथन हो चुका है, कांग्रेस कार्यालय में भी मंथन हो चुका। बड़े नेता आज रात भर रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं कि हमारा जिला अध्यक्ष हर जिले में बन जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कल का दिन बहुत ज्यादा अहम हो जाता है।